नमस्कार, अपना हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। अपना हिमाचल में तमाम खबरों का जिक्र करेंगे, लेकिन इससे पहले कि आपको एक बड़ी जानकारी दे दे, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन देखा क्या है, अनुराग ठाकुर ने जनसभा को संबोधित किया है, ये बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। बिलासपुर में मेडिकल कॉलेज बना दिए, तीनों जिलों में जच्चा बच्चा अस्पताल बना दिया, ट्रॉमा सेंटर बना दिया, अरे टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर में बना दी, ट्रिपल आईटी ऊना में बना दी, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बिलासपुर में बना दिया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी देरा में बना दी, छह छह केंद्रीय विद्यालय खुलवा दिए। हमीरपुर को चारों ओर से फोर लेन से जोड़ने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी वो राजनीतिक दल है, भारतीय जनता पार्टी वो राजनीतिक दल है जिसने अगर 1950 में भी कुछ कहा तो 2019 में भी आकर पूरा किया, कभी अपनी विचारधारा से हटे नहीं। हमने कहा था ट्रिपल तलाक से निजात दिलाएंगे, दिलाई। हमने कहा था सीए का कानून बना के नागरिकता दिलाएंगे, दिलाया। हमने कहा था धारा 370 हटाएंगे, हटाई। आज जम्मू कश्मीर की गली गली में तिरंगा झंडा लहरा रहा है, लाल चौक पे तिरंगा झंडा। मेरे भाई और बहनों, यही नहीं, हमने सोमनाथ धाम बनाया, काशी विश्वनाथ धाम बनाया, दिव्य भव्य केदारनाथ धाम बनाया, महाकाल लोक धाम बनाया, अब अयोध्या धाम में भव्य राम मंदिर भी बना दिया है। जय जय श्री राम। जो राम भक्त पीछे तक है भाई, जरा सारे हाथ खड़े करके अपने प्ले कार्ड ऊपर करके, जरा पीछे तक, ओ पीछे बस स्टैंड तक, जो हमारा पीछे ग्राउंड है भाई, पीछे। जय जय श्री राम। हमीरपुर के स्थान से प्रदेश के चारों ओर आवाज जानी चाहिए, जयकार जितना जोर है मेरे साथ लगा दो। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भाई और बहनों, हमने राम मंदिर बनाया, कांग्रेस कहती वापस मस्जिद बनाएंगे, कांग्रेस के सहयोगी कहते सनातन को कुचल के दिखाएंगे, वो सनातन धर्म को एचआईवी एड्स और न जाने मलेरिया क्या क्या कहते हैं। अरे सुन लो कांग्रेस वालों, मुगल आकर चले गए, अंग्रेज आकर चले गए, कांग्रेस भी जाने वाली है। सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा। अरे 60 साल तक देश में हुकूमत करने वालों, आपके समय चीन जमीन ले गया, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर बन गया, कच्चा थीवू आइलैंड आपने दे दिया। अरे देश को हिसाब कांग्रेस को देना होगा। वन रैंक वन पेंशन आपने नहीं दी, रक्षा सौदों में दलाली आपने खाई, और आप कहते हो पाकिस्तान के पास परमाणु बम है। अरे पाकिस्तान दाने दाने के लिए तरस रहा है, जैसे कांग्रेस एक एक सीट के लिए तरस रही है। हमने 65 में हराया, 71 में हराया, कारगिल के युद्ध में भी धूल चटाई है। अगर कांग्रेस ने फिर आंख उठाई, कांग्रेस मतलब पाकिस्तान भाई, आप गलत ले गए। हमने 65 में हराया, 71 में हराया, कारगिल युद्ध में हराया, अगर पाकिस्तान ने अब आंख उठाई तो धूल में मिलाने में भी ज्यादा समय नहीं लगेगा। अरे ये कहते पाकिस्तान पे कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी, अरे मेरे भाई और बहनों, उनको कह दो ये भारत की बेटियां हैं, चाहे चूड़ी पहनी है, हाथ में AK-47 लेकर बॉर्डर पर खड़ी है, घुसपैठ करोगे तो, अरे घुसपैठ करोगे तो कब्रिस्तान में पहुंचा दिए जाओगे मेरे। अरे ऐसी हरकत, चुनाव आता है आप हमको पाकिस्तान की धमकी देते हो,
और पाकिस्तान कांग्रेस की तारीफों के पुल बांधता है। नरेंद्र मोदी जी को आप शब्द कहते हो, नीचा दिखाते हो। अरे मोदी जी ने क्या नहीं किया, अपना पल पल क्षण क्षण देश के लिए जिया है, देश की पाई पाई बचाई है, गरीब की भलाई के लिए लगाई है, चौमुखी विकास करके दिखाया है भारत को 10वें नंबर से दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था भारत को बनाया है। साथियों आप मोदी की हैट्रिक लगवा दो, मोदी जी भारत को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बना देंगे। मेरी बहनों कमल खिला दो, मोदी जी 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बना देंगे। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। हिमाचल के हमीरपुर संसदीय सीट से बीजेपी प्रत्याशी अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर में विजय संकल्प यात्रा निकाली है, जिसमें बड़ी संख्या में संसदीय क्षेत्र के लोग शामिल हुए। इसके साथ ही हिमाचल में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष राजीव बिंदल इसमें विशेष तौर पर भाग ले रहे हैं। इससे पहले अनुराग ठाकुर ने अपने माता पिता और कुल देवी का आशीर्वाद भी लिया है। इस पूरी रिपोर्ट के जरिए आप देखें। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हिमाचल के हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से 5वीं बार सोमवार 13 मई को अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। इससे पहले उन्होंने अपनी कुलदेवी माँ अवा देवी के दर्शन किए और माँ का आशीर्वाद प्राप्त किया। निश्चित तौर पर यही मेरी माताएं बहनें आज आप कार्यक्रम में भी देखेंगे, विजय संकल्प यात्रा में इनका सहयोग और आशीर्वाद बढ़ चढ़ कर मिलता है। ये नारी शक्ति बंधन बिल जो 33% आरक्षण मोदी जी ने दिया है वो भी एक बहुत बड़ी बात है, और देवियों के मान सम्मान के लिए, इनके कल्याण के लिए अनेकों योजनाएं मोदी सरकार ने चलाई। साथ ही उन्होंने सर्व कल्याण की कामना के साथ विजय संकल्प यात्रा के सफलता पूर्वक पूरा होने का आशीर्वाद मांगा। वहीं आज सुबह उन्होंने अपने घर में कन्या पूजन किया, जिसके बाद उन्होंने विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत की। अपने घर से निकलकर जगह जगह अपने क्षेत्रवासियों का आशीर्वाद मिला, और यही हमारी एक पूंजी है जिनके कारण लगातार जीत मिलती है। और माँ वा देवी जो हमारी कुल देवी, उनके यहाँ पर अभी आशीर्वाद निकलकर विजय संकल्प यात्रा पर निकल रहे हैं। विजय होगी इसके लिए पूरी ताकत हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और यहाँ की जनता ने लगाई है। मेरा चुनाव तो पहले भी पार्टी के कार्यकर्ता ही जनता के आशीर्वाद से जीतते रहे, लड़ते रहे, और इस बार भी वही। इस अवसर पर उनके साथ बीजेपी के आला नेता मौजूद रहे और उन्होंने शक्ति प्रदर्शन कर अपनी जीत का दावा किया। मुझे लगता है जनता अपने आप सब कुछ कह रही है, ये जोश उत्साह उमंग फिर एक बार मोदी सरकार बनाने के लिए है, 400 पार करने के लिए है। हिमाचल की चारों लोकसभा सीटें और 6 के 6 उपचुनाव विधानसभा जीत कर चौका छक्का हिमाचल की जनता लगाने के लिए तैयार है। मैंने पहले भी कहा था कि हमीरपुर हिमाचल प्रदेश की जनता ही मेरा चुनाव लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करते हैं और हर बार नया उत्साह कीर्तिमान भी स्थापित करते हैं। आज फिर दिखता है कि जहां भोटा चौक से लेकर गांधी चौक हथलीपुरा भोटा तक ये लगभग 10-12 किलोमीटर लंबा रोड शो और पैर रखने की जगह ना हो अपने आप में बहुत कुछ कहता है। देखिए मेरे उनसे घर जैसा रिश्ता है, मातृशक्ति को लगता है कि मैं उनका भाई और बेटा हूँ, तो छोटे बच्चे और युवाओं को लगता है ये तो अपना ही साथी है, युवा ही है। और मुझे लगता है बहुत ज्यादा ये ईश्वर की कृपा है कि इस तरह का सहयोग समर्थन जनता से मिलता है। वही अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी ने उन पर विश्वास जताया है और एक बार फिर से जनता की सेवा करने का मौका दिया है। इसके साथ ही मोदी सरकार की योजनाओं का देश के हर वर्ग को फायदा मिल रहा है और यही पार्टी की जीत को भी सुनिश्चित करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। मंडी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने रिकांगपिओ क्षेत्र के दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने बौद्ध मंदिर के दर्शन किए और देश के प्रसिद्ध अवतारी बौद्ध धर्म गुरु का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर उनके साथ कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी भी मौजूद रहे।
राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी रिकांगपिओ क्षेत्र के दौरे पर आए। इस दौरान उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित भी किया। वहीं उन्होंने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर तंज भी कसा। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर प्रदेश सरकार को गिराने के चक्कर में स्वयं ही कंगना की रैली में गिर गए। जयराम जी बहुत अच्छे और यहाँ से इसी मन से कहा मेरे बारे में कहा कि यह जनजाति क्षेत्र का आदमी ठंडे इलाके का आदमी क्यों गर्म होता है विधानसभा। अरे भाई मैं जयराम जी से पूछता हूँ, मैं तो ठंडे इलाके का आदमी हूँ, अपने लोगों के लिए गर्म होता हूँ। आप तो सिराज ये है, सिराज ना तो गर्म क्षेत्र में आता है ना ठंडे में आता है, ये तो कंडलों के तरह बीच में लटके हुए हैं। तो ऐसे आदमी का क्या भरोसा। जो अभी मेरे साथी ठीक कह रहे थे, सरकार गिरी गिरी करते करते कंगना के पीछे गिर गए। लोकसभा चुनाव का महासंग्राम छिड़ चुका है। राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है। इसी कड़ी में कांग्रेस उपाध्यक्ष नरेश चौहान ने बीजेपी और बाकी नेताओं पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने प्रदेश में धनबल का प्रयोग किया है और प्रदेश की चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश की गई है। वहीं छह बाकी नेताओं ने कांग्रेस को धोखा दिया है और बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इस चुनाव में हिमाचल की जनता इन बाकी नेताओं को सबक सिखाएगी। आज हमीरपुर में कांग्रेस के लोकसभा के प्रत्याशी का जो नामांकन था और पिछले कल दो नामांकन, मंडी पार्लियामेंट्री से विक्रमादित्य जी का और कांगड़ा चंबा पार्लियामेंट्री से श्री आनंद शर्मा जी ने नामांकन दाखिल किया। जिस प्रकार का जन समर्थन और जन समूह वहाँ उमड़ा, आप मंडी की बात करें या कांगड़ा की बात करें या आज हमीरपुर में जो बात करें, यह अपने आप में कांग्रेस पार्टी को लीडरशिप को उत्साहित करने वाला है। और मैं इसको इस रूप में देखता हूँ कि पिछले 8-10 दिनों से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो प्रचार की कमान संभाली है, खास तौर पर मंडी पार्लियामेंट्री के अंदर और शिमला पार्लियामेंट्री में भी, आप बात करें ट्राइबल एरिया की पांगी से लेकर परमौर पांगी में, कुल्लू जिला में आनी, करसोग मंडी में, बंजार कुल्लू में, कुल्लू में कुल्लू सदर, आप ये समझे चाहे सरमौर की बात करें, जहाँ जहाँ मुख्यमंत्री गए हैं वहाँ बहुत बड़ी संख्या में जो है लोग उमड़े हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर और शिमला शहरी के विधायक हरीश जनार्था भी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इस मौके पर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया है कि कांग्रेस पार्टी प्रदेश में होने जा रहे 4 लोकसभा और 6 विधानसभा उपचुनाव में अच्छा प्रदर्शन करेगी। इसके साथ ही उन्होंने चुनाव में जीत का दावा भी किया। वहीं इस अवसर पर शिमला शहरी से कांग्रेस के विधायक हरीश जनार्था ने बताया है कि चुनाव के प्रचार के लिए डोर जाकर लोगों से कांग्रेस पार्टी को वोट देने की मांग करेंगे। सभी हमारे विधानसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं की मीटिंग हो रही है और इसी संदर्भ में हमारी शिमला शहरी के हमारे हरीश जनार्था जी जो हमारे यहाँ के लोकप्रिय विधायक है, सभी पार्षदगण और समस्त आपके शिमला शहरी क्षेत्र के हमारे जो सीनियर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता अग्रणी प्रकोष्ठों के सभी, चाहे उसमें महिला कांग्रेस की बात हो, सेवा दल की बात हो, युवा कांग्रेस, NSY, समस्त शिमला शहरी के हमारे सभी जो कर्मठ साथी है उनकी बैठक। और इसमें निश्चित रूप में जैसे आपने नॉमिनेशन की बात की उस बारे में तो अवश्य बात होगी होगी और बढ़ चढ़ कर हमेशा यहाँ से कॉन्ट्रीब्यूशन योगदान रहता है। ये शिमला शहर के कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई गई है और माननीय हमारे मंत्री और हमारे इस क्षेत्र के प्रभारी श्री रोहित ठाकुर जी इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। और आज हमने शिमला शहर से डोर टू डोर और कन्वेंसिंग का आगाज छेड़ लिया है और हमें पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से लोगों ने यहाँ पे हमें सपोर्ट किया है विधानसभा के इलेक्शंस में और उसके बाद जो जो कार्य हुए हैं वो हम पब्लिक में लाएंगे और हमें उम्मीद है कि यहाँ से जो हमारे कर्मठ कार्यकर्ता है और जिनको हमने यहाँ से पार्टी ने टिकट दिया है विनोद सुल्तानपुरी जी को हम अपने क्षेत्र से बढ़ चढ़ कर लीड देंगे।
शिमला संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी विनोद सुल्तानपुरी नालागढ़ क्षेत्र के दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने नुक्कड़ सभाओं को संबोधित किया और जनता से वोट की अपील भी की। वहीं उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि शिमला क्षेत्र में 15 सालों से बीजेपी के सांसद विकास कार्य करवाने में नाकाम रहे हैं। वो अर्की विधानसभा क्षेत्र का है और संजय बस्ती जी इसको लीड कर रहे हैं। तो अभी जयनगर एरिया में हम आए हुए हैं और ग्राम पंचायत वाइज हम कवर कर रहे हैं और कल माननीय मुख्यमंत्री जी दिगे ला रहे हैं, तो उनका भी इसमें जो समर्थन जो है हमारे सभी साथियों का, उनका जुटाने के हम प्रयास भी कर रहे हैं, सभी से मिलना होगा। जो 15 वर्ष से शिमला पार्लियामेंट भाजपा के द्वारा यहाँ पे सांसद जा रहे हैं, कंटिन्यूटी में जा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ हमारी तरफ से जो रिप्रेजेंटेशन है, जो जिस तरीके से होनी चाहिए, उसमें काफ़ी मुझे लगता है गैप है और अभी आगे मेहनत करनी पड़ेगी और अपने इलाके को आगे कैसे ले जाया जाए उसके ऊपर हमें अपनी मेहनत करनी है। लोकसभा चुनाव के लिए जो मतदान एक जून को होने जा रहा है और उसी दृष्टिकोण से आज हमारे जो शिमला संसदीय क्षेत्र से उम्मीदवार हैं श्री विनोद सुल्तानपुरी जी, जो कि वर्तमान में कसौली से विधायक भी हैं, आज उनका कार्यक्रम अर्की विधानसभा क्षेत्र के मटेरनी पंचायत से शुरू हुआ, उसके बाद पट्टा पंचायत में और फिर मलौण परगना के जयनगर लोहारघाट और अभी हम मलौण में जो है कार्यक्रम से अभी संपन्न हुआ है। और जिस तरह का रुझान लोगों द्वारा का मिल रहा है, ये साफ दर्शाता है कि आने वाला समय बदलाव का है और इसलिए भी है कि लोग आज पूछ रहे हैं कि जो जिनको 5 साल पहले सांसद बनाकर यहाँ से भेजा था वो 5 साल कहीं भी नज़र नहीं आए और ऐसे समय भी नज़र नहीं आए जब एक ऐतिहासिक आपदा से प्रदेश जूझ रहा था। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुखराम चौधरी ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पहले ही लोकसभा और विधानसभा के उपचुनाव में हार मान चुकी है। साथ ही उन्होंने दावा किया है कि हिमाचल में बीजेपी भारी बहुमत से जीत दर्ज करेगी। कांग्रेस ये मान चुकी है कि हम हिमाचल प्रदेश की चारों लोकसभा की सीटें और 6 की 6 विधानसभा की उपचुनाव जो हो रहे हैं वो सीटें हार रहे हैं, क्योंकि कैंडिडेटों का समय पर चयन न करना और 16 महीने की सरकार में 6 विधायकों का नाराज होकर, हताश निराश होकर कांग्रेस से रिजाइन देना, इस बात को दर्शाता है कि वर्तमान सरकार हिमाचल प्रदेश के हितों को सुरक्षित रखने में असमर्थ सरकार है। लोकसभा चुनाव का रण सज चुका है। राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है। वहीं प्रदेश कांग्रेस के मीडिया पैनलिस्ट अमन सेठी ने बीजेपी की प्रदेश उपाध्यक्ष रश्मि धर सूद पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जब से प्रदेश सरकार ने महिलाओं को 1500 रुपए देने की घोषणा की थी, तब से बीजेपी की प्रदेश उपाध्यक्ष अपना आपा खो चुकी है। देखिए, मैं उनका पिछले साल अगस्त का बयान देखता था, जो रक्षाबंधन के आसपास का बयान था, तो उन्होंने एक रक्षाबंधन पे बड़ा अच्छा एक बयान और एक रिकॉर्डिंग करके दिया था कि सुखू भाई जी, आप अपनी बहनों को कब 1500 का तोहफा देंगे, कब वो होगा, जैसे भाजपा जो ये हमारी मित्री है, ये बड़ी बहन की तरह है। अब ये इनका बयान, अब मैंने 2 दिन पहले भी सुना, अब ये उस वक्त ये बयान दे रही है कि हमें मुफ्त नहीं चाहिए, मुफ्त का हमें कुछ नहीं चाहिए, तो इनकी खुद ही स्थिति स्पष्ट नहीं है, ये चाहते क्या है। कहते हैं ना कि भाजपा की कथनी और करनी में फर्क है। जब तक देखिए 1500 की जो हमने गारंटी की महिलाओं से बात करी थी, वो लाहौल स्पीति से मुख्यमंत्री जी की शुरुआत कर चुके थे, तो धीरे 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 हिमाचल के हर फेस में होना था और अब बजट में उसका प्रावधान किया गया है और बजट में पास भी हुआ है, सब कुछ हुआ है, बजट में उसका प्रावधान भी हुआ है और ये सब अब आगे आने वाली बहनों को चुनावों के बाद मिलना है। कहीं ना कहीं अब बौखलाहट और कंफ्यूजन भाजपा के नेताओं में साफ दिखने को मिल रही है। चुड़धार की पहाड़ी पर बिथे कल 2 महिला पर्यटक फंस गई थी। एक पर्यटक अमेरिकी और दूसरी दक्षिणी भारत के निवासी बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार ये दोनों महिला सैलानी चुड़धार घूमने जा रही थी, लेकिन तिसरी नामक स्थान पर लंबी पैदल यात्रा के दौरान इन दोनों की तबीयत खराब हो गई।
मामले की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन इनके रेस्क्यू के लिए आवश्यक प्रबंध करने का आरंभ किया है। डीसी सुमित खिमटा ने इस मामले की जानकारी देते हुए बताया है कि इन दो महिला पर्यटकों को सकुशल रेस्क्यू कर लिया गया है, साथ ही उन्होंने इलाज के लिए चंडीगढ़ भेज दिए गए। अपने हिमाचल में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।